मेहनत करवाया ना तूने आज तो यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है क्या? इसी रेस्टोरेंट है वहाँ पे था मैं वहाँ खाना वाना खाया आठ घंटे चले गए बहुत गर्मी थी बाबा बहुत गर्मी है बाहर अरे इट वॉज नथिंग यहाँ तक पानी पानी हो गया था ठीक है एसी में जाके मैं दो घंटे बैठा हूँ बंदा बोल रहा है सर कब आएंगे वो से एयरपोर्ट जाने के लिए एयरपोर्ट से फिर बागा बीच हाँ। जन कितना पैसा लेगा 2800 तो मैंने बोला कि बस से यहाँ पे 30 रुपए ले रहा है तो मैं बस से ना चला जाऊँ और बस वाला मुझे 11 बजे पहुँचाने जाने वाला था हाँ। तो उसने पहुँचाया मुझे 1:30 बजे बाहर देख रही हूँ चकोचक के कहीं हम पानी में तो नहीं गिरने वाले इतना मैंने हैवी मतलब इतना सीरियस वाला कभी नहीं देखा और सबकी ऐसी फटी हुई थी सब ऐसे ऐसे देख रहे हो चकोचक एयर होस्टेस गायब दिख रही अरे वो पूरा ऐसे सो रहा है मेरे को लगा गया आज तो गए मैं पूरे भी कुछ तो न्यूज़ पड़ी थी बहुत पहले वाली मैं वो सोच के और डर लगा और वो जब सही हो गया ना नॉर्मल हो गया तो सोच पूरे फ्लाइट वाले चिल्लाए ऐसे माय गॉड टीटोज लेन आ चुके हैं बागा पहुंच गए हैं बहुत ही जल्दी पहुंच गए पंजिम से बहुत ही पास है तो मुझे यहाँ पे आके बहुत सारी शॉपिंग करनी है आज के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास चप्पल तक नहीं है तो सोच मैं शूज ही लेकर आई हूँ बस चप्पल भी नहीं है मेरे पास बीच की वो भी खरीदनी पड़ेगी और ना कितना चहल पहल लग रहा है ना सो गाइज वी रीच पिस्ता 3 बजे पहुंच चुकी हूँ मैं और अभी बस चेकिंग करेंगे थोड़ा सा एडवांस पे किया था 50% यहाँ से आपको पूरा बागा भी दिख रहा है तो लेट्स गो बाकी के पेमेंट करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं जल्दी से डूड आई लव दिस प्रॉपर्टी इट्स रियली गुड गर्मी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर मुझे लगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी बिल्कुल ही गर्मी नहीं है चेक इन कर लिया मैंने मेरा मेन इंटेंशन एक्चुअली ये सैटरडे संडे जो रिसोर्ट लेने का था वही बागा भी सबसे ज़्यादा क्लोज है तो 2 दिन एटलीस्ट मैं इन्जॉय कर पाऊंगी क्योंकि बाकी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होने वाला है तो उसके लिए सेपरेटली एक एयरबीएनबी बुक करा है उसका सेपरेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जो अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी ट्राई करना वर्क फ्रॉम बीच के लिए जो आप लोग वो बुक कर सकते हैं उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा जाके मार्केट में शॉपिंग भी करना है मुझे मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं है क्योंकि मैं गोवा का कुछ भी सामान मतलब प्लान ट्रिप नहीं था सडन ट्रिप है सो सी यू सून वाला देखा है 100 रुपीज का है और वो वाली जो स्लीपर्स ली थी वो 200 की थी तेरे इसके साथ ना ये मैच हो रहा है पूरा ऐसे कलरफुल पीछे और तेरा ये टी शर्ट कलर मुझे समझ में कभी नहीं आता है कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगता है ग्लासेस वैसे तो मैं अपना पूरा कैरी कर रही हूँ होम रेमेडी एलर्जी का एक वो एलर्जी के लिए वो आती है ना मेडिसिन आती है एवी हाँ वो बताना मुझे 2-3 दे दो सामान एक ले लाई थी बहुत सारा सामान ले रही हूँ मैंने स्लीपर्स ले लिया है और ग्लासेस भी ले लिए और कॉस्मेटिक का भी सामान ले लिया है सो अब कपड़े लेने हैं अपन को क्योंकि वो नहीं क्योंकि मैं पूरा काला पहन के घूम रही हूँ मतलब मुझे लिटरली बिल्कुल भी गोवा का वाइब नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नॉर्मल सिटी में घूम रही हूँ और ये पूरा रेडी होके घूम रहा है इसको देखो ज़रा फुल गोवन वाइब ठीक है अब कुछ कपड़े लेते हैं और फिर उसके बाद जाके चेंज करूँगी मैं और फिर उसके बाद बीच के दर्शन करेंगे शॉर्ट्स तो मिल गए हैं कि ये एक ये और एक ही ले लिया है तो मेरा पूरा गोवा ट्रिप 3 शॉर्ट्स में हो जाएगा अब आई एम जस्ट होपिंग कि ये मुझे आ जाए ठीक है बागा में वहाँ पे ब्रिटोज खा सकते हैं ये वाला ले लूँ ये वाला भी है और एक आध कोई एकदम लूज टी शर्ट लूँगी इस टाइप का तो ये तो सब पे आ जाएगा मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग
रही थी तो मैं पहले यहाँ पे आ गई हूँ खाने के लिए एंड फिर उसके बाद जाऊँगी चेंज करूँगी और फिर कुछ भी रात में जो भी पार्टी हो रही है या पता नहीं बागा साइड ही शायद आज मैं ये भी आ जाएंगी बागा एंड कलंगुट घूमूंगी एंड या दैट्स इट सो अभी थोड़ा सा खा के उसके बाद खरीदे थे ये तो मुझे आ गए अच्छे से ये मेरा फेवरेट बैग ये मेकअप मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पता नहीं इसमें अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा बट ये सामने से तो बहुत ही लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ और डिनर करूँगी और ऐसे घूमेंगे तफरी करेंगे चलो लेट्स गो। लड़कियाँ एक दिन पता नहीं कितने कपड़े चेंज करती हैं इसको देखो इसका दूसरा लुक है गोवा के हिसाब से अच्छा लग रहा है। चल चल 9 बज चुका है सो अब निकलना है। बनारस कुल्फी बनारस वाले लोगों के साथ चक्कर आ रहे सोचे कलंगुट पहुंचते पहुंचते मेरा वर्कआउट करा दे तूने इतना वर्कआउट करा के पसीना देख रहा मेरा हाथ भी दुख रहा हाथ में हिम्मत नहीं पकड़ने की मोबाइल खरीद लूँ मैं ब्लॉगिंग करने के लिए ये बहुत इजी यार ये डेली ब्लॉगर्स का भी मेरे को समझ में आ रहा है ना एक्चुअली कि वे लोग इजी ही ब्लॉग कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल से सच में बहुत इजी है कैमरे में ना बहुत वो होता है पहले उसको घुमाओ उसको ये करो बहुत दिक्कत होती है तेरी तो बहुत अच्छी चप्पल है नजर लगा दिया अच्छा। पराठा एक गुड नो पराठा अभी हम सीधा लास वेल जाएंगे जो पूरा अगेन वॉक करके जाना है हमको कलंगुट पे और बीच पे चप्पल निकाल के वॉक करना हाँ इस क्योंकि हमने अभी तक बीच के दर्शन नहीं मतलब बीच जाके देखे और सनसेट लेकिन बीच का पानी को टच नहीं कर रहा है हाँ ये सही है ये हाइट में सही है ये ये इतना ही नीचे जाती है एक इंच चार इंच पीछे से मेरे से चप्पल से इतनी ज़्यादा लग रहा है ना काट इसलिए आई थिंक अभी मैं एक और लेने वाली हूँ मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ बागा से कलंगुट वॉक करके आ रही हूँ जो चप्पल हमने 150 की ली थी वो यहाँ पर 250 की दे रहा है तो मैं और कहीं से लेने वाली हूँ तो फाइनली एक और चप्पल ले ली है और अली बड़ी फ्लैट है तो ये शायद अच्छी रहेगी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे अभी अच्छे अब मैं जल्दी चलूँगी नॉर्मली कलंगुट बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है बट आज पता नहीं बिल्कुल भी भीड़ ज़्यादा नहीं है पता है ना लोगों तो आ रही है शट अप जगह तो चाहिए उतना हल्की सी शट अप ओके हम ऑलमोस्ट पहुँच गए कलंगुट अब बस आ गए इसके बाद एंटर होना है ठीक है कहीं बैठ के फिर आगे बात करूँगी मैं पहुँच गए हम पहुँच गए हाँ सारी ट्रिप में जिस ट्रिप में मैं इसके साथ आती हूँ ना वो सारी ट्रिप में मैं बहुत वॉक करती हूँ बीच पे पहुँच के कहीं पे बैठ के भी सीधा मैं अब गपशप करेंगे वापस कनेक्ट करेंगे
सो फाइनली आई एम बैक. बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जाके सो जाऊंगी. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. एंड और भी ऐसे व्लॉग्स, रैंडम व्लॉग्स कभी कभी मैं डालती रहूंगी. और ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.